Hello everyone, again a chapter of Organon of Addition from Kant's Philosophy, and this chapter is lecture number 9. The name of the chapter is Disorder First in the Vital Force. This from the lectures on homeopathic philosophy by Dr. James Tyler Kent. So start karte hai. In the very beginning इस chapter में शुरू किया गया था जिस जगह से वो है ऑर्गेनन का एफोरिज्म नंबर 10 और ऑर्गेनन का एफोरिज्म नंबर 11 डॉक्टर केंट ने इधर पहले मेंशन किया और इसी को देखते हुए इसके मीनिंग को समझते हुए डॉक्टर केंट ने ये कहा है कि दैट इज़ द जो भी डिसऑर्डर होता है जो भी डिजीज होता है इंसान के तो वो एक्चुअली कहाँ से होता है. हमको लगता है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर जो है कि कोई जर्म से होता है या शरीर से होता है. एक्चुअली डॉक्टर केंट ने हमको ये समझा है कि दैट इज़ द डिसऑर्डर इट फर्स्ट इट ऑकर्स इन द नॉट इन द सेल इट ऑकर्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाइटल फोर्स. इसी पेज में आप लोग देख सकते हो मैंने अंडरलाइन करके रखा एक वो लाइन है जिसमें ये लिखा है कि वी विल सी इन कोर्स ऑफ टाइम दैट द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए सेल इज द रिजल्ट फर्स्ट ऑफ डिसऑर्डर दैट इज द डिरेंजमेंट ऑफ द इमेटेरियल वाइटल प्रिंसिपल इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डिसऑर्डर. सो हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई डिजीज होता है तो डिजीज का डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं. सो देर आर सम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस विद इन द ह्यूमन बॉडी. दिस चेंजेस आर द चेंजेस ऑफ द सेल्स और द टिश्यूज बट बिफोर दिस चेंजेस कम्स विद इन द सेल और विद इन द टिश्यू द डिरेंजमेंट कम्स बिफोर हैंड एंड दिस डिरेंजमेंट इज दैट दिस डिरेंजमेंट इज इन द वेरी बिगिनिंग यू कैन से दैट इट ऑकर्स इन द वाइटल फोर्स. हम लोग ये जो लेक्चर नंबर 9 है इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में डॉक्टर केन ने सिंपल सब्सटेंस के बारे में बोले. तो सिंपल सब्सटेंस में हम लोग ये जान चुके हैं कि द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स मतलब कोई भी जैसे हमारे शरीर के अंदर वाइटल फोर्स है तो वाइटल फोर्स वी कैन से दैट इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस. ओके सो इस डिरेंजमेंट को डिजीज का डिरेंजमेंट को हम लोग अगर एक और भाषा में डॉक्टर केन ने इसी पेज में बोले हैं कि सो इट इज़ व्हेन देयर इज़ द इनफ्लोइंग ऑफ द सिंपल सब्सटेंस दैट हैज़ फॉर्म्ड द एसेंस ऑफ द डिजीज. तो सिंपल सब्सटेंस का जो परिवर्तन है या तो हमारे शरीर में जो वाइटल फोर्स है इस वाइटल फोर्स का जो डिरेंजमेंट है एक्चुअली उस डिरेंजमेंट से शुरू होता है हर कोई डिजीज़. सो द डिसऑर्डर ऑकर्स टू द सिंपल सब्सटेंस इन द सीरीज ऑफ डिग्रीज. अब ये जो चीज़ है सिंपल सब्सटेंस के थ्रू ये डिसऑर्डर होता रहता है और ये जो डिसऑर्डर होता रहता है ये एक सीरीज ऑफ डिग्रीज के थ्रू होता रहता है. देखा जाए तो हाउ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस सीरीज ऑफ डिग्रीज. एक्चुअली हम लोग अगर इस तरीके से सोचें कि there is some sort of material world, फिर material world का भी solid, liquid, gas ये जो matter है तो इस जगह से लेके जैसे कि धीरे धीरे जब materialism कम होता जाता है तो जैसे आप सोच सकते हो कि कोई substance है तो उसका molecule है, molecule के बाद जो उसको और break करो तो atom है और इसको भी अगर देखा जाए इससे भी छोटा इसके अंदर जो है ना electron, protons और neutrons है. तो अगर हम एक स्थूल दृष्टि में देखें हर कोई चीज़ जो है ये अलग अलग आकार है, अलग अलग कलर है, अलग अलग फॉर्मेशन है, लेकिन हर कोई चीज़ का जब हम लोग और भी सूक्ष्म जगह पे हम चले जाएंगे तो वी सी दैट देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा. तो वहाँ पे जो है कि मेटेरियलिज्म कम होते होते धीरे धीरे इमेटेरियलिज्म और टर्निंग इनटू द एनर्जी फिर हमको क्या दिखेगा, मोशन दिखेगा. तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक के बाद एक जो है ना हायर एंड हायर डिग्री ऑफ डायनेमिक लेवल में ये आगे बढ़ता जा रहा है
So in these conditions of series of degrees, we can see that. So this is how Dr. Kent also described in his repertory and in his potentization का जो medicine देने का जो theory जो है कि उन्होंने series of degrees में higher and higher potency, higher the dynamicity, higher the potency, इस तरीके से medicine देने को Dr. Kent ने सिखाया. तो जब कोई derangement होता है, ये derangement भी एक series of degrees के through होता है. और जिस तरीके से ये वाइटल फोर्स को कनेक्ट करते हैं, तो वाइटल फोर्स का जो डिरेंजमेंट होता है, ये डिरेंजमेंट होते होते नाउ कोर्सर टू फाइनर एंड फाइनर टू कोर्सर. तो ऐसे एक जो एक सीक्वेंस है, एक जो कनेक्शंस है फ्रॉम द मेटेरियलिज्म टू मेटेरियलिज्म, इस लेवल में अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ डिग्रीज ये डिरेंजमेंट होता है. हम लोग इस जगह में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि सच चेंजेस एंड एक्टिविटीज एज रिजल्ट इन एवरी क्रूडेस्ट फॉर्म but the result of the disease through a series of degrees, coarser and coarser to the outermost man. Everything that can be seen, that can be observed with the aid of the finest instrument is but the result. Nothing in the world of immaterial substance can be seen with any faculty that is capable of seeing things in the world of material substance. मतलब जो इमेटेरियल सब्सटेंस जो है उसको वो जो डिरेंजमेंट है वो हमारे स्थूल दृष्टि में ये पकड़ नहीं पाता, लेकिन एक्चुअली जो फोर्स का जो डिरेंजमेंट होता है, जो जहाँ भी डिरेंजमेंट होता है, अगर हम लोग इस तरीके से सोचिए एनर्जी का डिसोसिएशंस और एनर्जी का डिविएशंस होता है, तो इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स से ही डिरेंजमेंट शुरू होता है. और ये डिरेंजमेंट जो है कि अलग अलग डिग्री अलग अलग मात्रा में आते आते ये सेल और टिश्यू में इसका रिजल्ट हमको दिखता है. नेक्स्ट नाउ फॉलोइंग दिस पेज, नाउ द मॉर्बिफिक एजेंट्स आर फाइनेस्ट सिंपल सब्सटेंसेस मे बी कॉल्ड एज वायरस. तो रिगार्डिंग दिस वायरस, तो हम लोग क्या सोचते समझते हैं कि इन जनरल एक टर्म है जो लेमैन ये जानते हैं या ऐसे बताया जाता है कि द वायरस एंड द बैक्टीरिया आर द कॉजेस ऑफ द डिजीज. तो बेसिकली हियर द थिंग इज दैट द वायरस एंड बैक्टीरिया दे आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, दे आर दीज आर द एजेंट्स व्हिच वी कैन सी दीज आर द फाइनेस्ट व्हाट वी कैन सी द सिंपल द फॉर्म ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस, जो एक बहुत ही छोटा बहुत ही फाइनेस्ट लिटिल क्रीचर्स जो हैनीमैन ने इमेजिन किया था उस समय में. तो दीज आर द वायरसेस, दे आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज. एक्चुअली जो जिस एनर्जी में जो डिरेंजमेंट हुआ है वही एक्चुअली द कॉज ऑफ द डिजीज. वी कैन रीड इट आउट द मॉर्बिफिक एजेंट्स दैट हैनीमैन रेफर्स आर टू सिंपली द एक्सट्रीमली फाइन फॉर्म्स ऑफ सिंपल सब्सटेंस और टू ब्रिंग देम डाउन टू ह्यूमन थॉट वी माइट कॉल देम वायरसेस. So these viruses, these are the morbific agents, these are the somewhat are the what we consider this cannot itself is not the power. तो वाइटल फोर्स को चेंज करने वाले ये लोग नहीं है, जिस चीज को आप वायरस समझते हैं अपने स्थूल दृष्टि में ये नहीं है. एक्चुअली द डायनेमिक डिरेंजमेंट से ही वाइटल फोर्स डिरेंज होता है. सो हाउ वी कैन नो अबाउट द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे जो मैंने लिखा है जो फ्रीडम. इन द नेक्स्ट पेज यू विल कम टू सी दैट इज अ वर्ड कॉल्ड फ्रीडम. आप लोग एक चीज समझ सकते हो कि हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि जैसे आपका बुखार हुआ है ना, बुखार हुआ है, सर्दी जुकाम हो रहा है, और जिस समय में अचानक से सपोज यू आर टेकिंग एनी होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके बाद जो है ना बुखार ठीक होने लगा, मतलब एक घंटे भर पहले भी बुखार था, बहुत तकलीफ हो रहा था, ऐसा कुछ कंडीशन था, और अभी जो है ना लगा कि यार ये बुखार तो उतर गया और शरीर एकदम बिल्कुल ठीक होने लग रहा है. तो एक आई सपोज दैट एवरीबॉडी हैव गॉट दैट फीलिंग कि शरीर के अंदर जो है ना एक स्ट्रेंथ जैसे वापस आता है, और ऐसा लगता है कि जो एकदम वीकनेस और किस तरीके से एक बहुत ही डल कंडीशन था और अब लगता है कि हम तो बिल्कुल शक्ति अंदर से आ रहा है. तो इस फीलिंग्स को अब मेरे हिसाब से इस दुनिया में सब कोई हुआ होगा ये फीलिंग्स, और इस फीलिंग्स को एक बार समझते हुए आप समझें कि शरीर के अंदर जो भी एक पावर है
वो पावर डिरेंज हुआ था और इस कारण से जो है ना आप बीमार हुए थे। शरीर के अंदर ऐसा कोई मैसिव चेंजेस नहीं हुआ कि ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुआ कि आप बहुत ज़्यादा बुखार महसूस कर रहे थे और उसके घंटे भर के अंदर ही आपका बुखार उतर कर आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेंथ फील कर रहे हो। देयर इज़ द चेंजेस इन दैट पावर। अब बात ऐसा है कि जब इंसान हेल्दी होते हैं बाय दिस टाइम ही कैन नॉट फील हिज ऑर्गन्स वर्किंग, जैसे हार्ट का वर्क हो रहा है, किडनी का वर्क हो रहा है, लीवर का, जो ऑल द विसरस आर इसका वर्क हो रहा है, ब्लड फ्लो चल रहा है, ये सारे चीज़ जो है ये हमको फील होता है नॉर्मल टाइम में नहीं होता। सो दिस इज दैट द थिंग इज दैट द ह्यूमन बींग इज इन अ फ्रीडम व्हेन ही इज हेल्दी, और जब अनहेल्दी होता है तो इनको कहाँ से पता चलता है, बाय द सेंसेशन एंड फंक्शंस। तो सेंसेशंस जो है ये पता लगता है, फिर कभी ब्लड का फ्लो पता लगता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, कभी पेन पता लगता है कि हार्ट के साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स व्हिच वी गेट ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। बाय दिस टाइम ऑफ डिरेंजमेंट द ह्यूमन बॉडी इज नॉट इन फ्रीडम। तो ये फ्रीडम वो होता है कि जिस जगह पे वाइटल फोर्स का वर्किंग इतना सही तरीके से वर्किंग होता है और इस वर्किंग इस समय के इस वर्किंग के दौरान हमको ये फील नहीं होता कि अंदर कितना भी वाइटल प्रोसेसेस का काम चल रहा है, हमको फील नहीं होता। वी आर इन ए फ्रीडम, द वाइटल प्रोसेस इन ए फ्रीडम। तो फिजिशियन का जो काम है, ये काम ये है कि जो जो डिरेंज्ड कंडीशन से फ्रीडम में लेके आना वाइटल फोर्स को। ओके सो इसका जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें लिखा है, अच्छा पहले इस जगह को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक जगह अंडरलाइन किया हुआ मैंने कि व्हेन ऑल द फंक्शंस आर कैरीड ऑन इन अ परफेक्टली ऑर्डरली वे यू हैव नो कॉन्शसनेस ऑफ योर बॉडी, जो अभी मैं बोल रहा था, राइट, व्हिच मीन्स दैट यू आर इन फ्रीडम। व्हेन नॉट इन फ्रीडम द इंडिविजुअल सेज आई फील, सो व्हेन नॉट इन फ्रीडम when there is a disease he can feel many things in a different manner. So the physicians, the to establish freedom should be the aim of a physician. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी डिरेंजमेंट हुआ है वो डिरेंजमेंट डिजीज जो होता है वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट से होता है। वायरसेस जो है दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज द कॉज ऑफ द डिजीज, दे आर द रिजल्ट्स ऑफ द एजेंट्स ऑफ द डिजीज। टिश्यू और सेल चेंजेस जो भी होता है ड्यूरिंग द डिजीजेस दे आर द रिजल्ट ऑफ द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। तो अल्टीमेटली द डिरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, द डिरेंजमेंट वाइटल फोर्स पे हो रहा है, और वाइटल फोर्स जब डिरेंज नहीं रहते तो हम फ्रीडम में रहते हैं, और जब वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाते हैं तो उस समय में फ्रीडम नहीं होता, उससे फ्रीडम तक पहुंचाना एक फिजिशियन का काम है। नाउ रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, जब हम लोग होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका नेक्स्ट पेज में कुछ डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में कि देयर आर सम थिंग व्हेन द होम्योपैथिक फिजिशियन यूज टू गिव द पेशेंट सम मेडिसिन फॉलोइंग सम पर्टिकुलर सिम्टम और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड दिस इज नॉट अ कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। कारण क्या है, कारण यह है कि जब कोई डिजीज होता है ये डिजीज जो है ये वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट के कारण होता है। सेल्स एंड द चेंजेस इन द सेल्स दे आर द रिजल्ट्स। ओके हम लोग ये जान चुके हैं। अब जो है वाइटल फोर्स कहाँ है, इस शरीर का हर कोई पार्टिकल में वाइटल फोर्स है। तो जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का चेंजेस जो भी हुआ है, मे बी दिस इज द वन ऑफ द इंडिकेशन, मे बी दिस इज द सिम्टम, लेकिन यही सिम्टम सिर्फ एक ही सिम्टम इसका कंप्लीट डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स का पिक्चर नहीं देता। अगर हमको वाइटल फोर्स का कंप्लीट डिरेंजमेंट का पिक्चर चाहिए तो हमको ऑब्वियसली टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर जाना है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इन अ जनरलाइज्ड मैनर हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे एक पेशेंट को, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एज ए होल। देयर आफ्टर वी सिलेक्ट अ प्रॉपर रेमेडी व्हिच कवर्स अप अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द पेशेंट, देन वी गिव दैट मेडिसिन, दैट विल बी द करेक्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। बट सम फिजिशियंस दे गिव सम लाइक दैट दे गिव साइलिसिया फॉर हिप जॉइंट डिजीज, ब्यूफो फॉर एपिलेप्सी, एंड सो ऑन, गिविंग मेडिसिन फॉर ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स।
दैट इज नॉट होम्योपैथी. डॉक्टर केंट सेस, आप लोग इधर देख सकते हो स्लाइड में, दैट इज नॉट होम्योपैथी. सच मैन देन गो ऑफ एंड से वो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, फिर रिजल्ट नहीं मिला. बोलते हैं ना कि हमने होम्योपैथी बहुत खाया. ऐसे बहुत पेशेंट ये भी आके बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे मेडिसिन खाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना. तो आप देखोगे ऐसे कोई प्रेस्क्रिप्शन में, सपोज एक एग्जांपल ले लिया जाए कि कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है ना लाइकोपोडिया, कार्बोवे, चाइना, नेटम्फॉस, इस टाइप का मेडिसिन देते गए थे, कोई काम नहीं, कोई आराम नहीं आया, ठीक है. बट इसी पेशेंट को अगर आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट केस टेकिंग करोगे, ठीक है, तो सपोज करो कि आफ्टर द कंप्लीट केस टेकिंग यू गेट वन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, इवन यू मे गेट सल्फर, यू गेट नाइफिक और फॉस्फोरस और एनी टाइप, मे बी द पेशेंट थूजा मे बी यू गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टोटलिटी. ओके, तो उस जगह पे जो है कि मेडिसिन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम. तो ये चीज जो है, देखो ये टॉपिक इस जगह पे क्यों बात किया कि व्हाई देयर आर सम फिजिशियंस आर इन आर गोइंग विद द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, व्हाई, बिकॉज द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फूड दैट इज द बिगिन ऑफ द डिजीज. तो जब हम लोग ये जानते हैं कि वाइटल फूड्स का डिरेंजमेंट से डिजीज शुरू होता है, तब हमको तो ये भी जानना होगा, या ये भी उसी तरीके से हमको उस साइंटिफिक लॉजिक से हमको मेडिसिन देना पड़ेगा कि नोइंग द एंटायर डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटलिटी, नॉट जस्ट सीइंग ओनली पार्ट ऑन एनी चेंजेस इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस थिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर. नाउ व्हेन वी आर गोइंग विद दिस टोटलिटी, तो जब हम लोग को फ्रीडम में लाना है और सही तरीके से होम्योपैथी ट्रीटमेंट करना है, तो इस जगह में हम लोग को पेशेंट का सेंसेशंस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, और पेशेंट का अटेंडेंस जो बात बोलते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना और सुनना समझना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज में यही चीज़ लिखा है कि दैट इज दैट व्हेन वी थिंक ऑफ द रेमेडीज, है, जब हम रेमेडीज के बारे में सोचते हैं, एक थोड़ा देर पहले ये इस स्लाइड में पूरा नहीं आया कि कोई पर्टिकुलर डिजीज का रेमेडी, जैसे कैंसर का क्या रेमेडी है, ये दैट इज अ कन्फ्यूजन. बेसिकली हम लोग को उस पेशेंट का कंप्लीट टोटलिटी लेना है, तो टोटलिटी जब हम लेंगे तो उस जगह में पेशेंट का सेंसेशन, उसका जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आस, बिकॉज दिस एक्सप्रेसेस द पेशेंट एज ए होल. एंड द अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट द जनरल सिम्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अमंग देम देयर आर टू टाइप ऑफ जनरल, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल. और इस फिजिकल एंड मेंटल जनरल में मेंटल जनरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पेशेंट का जो सेंसेशंस है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अटेंडेंट के बाद इसलिए बोला है कि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होता है जहाँ पे द पेशेंट जो है ही कैन नॉट टेल प्रॉपरली, या ऐसे बहुत सारे चीज़ उस पेशेंट में दिखता है जो उनके अटेंडेंट ही बोल पाते, द पेशेंट बोल नहीं पाते. ऑब्वियसली दिस सम ऑफ दिस सिम्टम्स विच द अटेंडेंट्स टेल, पेशेंट के साथ वाले, घर वाले जो साथ में आता है, तो ये जो बोलते हैं ऑब्वियसली आप लोग देखोगे कि मैक्सिमम जो है ना कुछ जनरल सिम्टम होते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ये पहले तो ऐसा नहीं थे लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है एकदम, मतलब कोई भी बात बोले कॉन्ट्राडिक्ट कुछ करो तो फिर चिल्ला के पूरा सर खड़ा कर देते पूरा घर में. तो दैट इज वो क्या बोल रहे हैं, द पेशेंट इज बिकमिंग वेरी इरिटेबल नाउ, ठीक है, क्वारलसम एंड शाउटिंग. तो ये क्या ना एक देखो एक मेंटल सिम्टम है, दिस वी कैन सी दैट दिस इज द मेंटल जनरल. तो पेशेंट का जो अटेंडेंट है जो इनके बारे में बोलते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम भी बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमको इसका जनरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है पेशेंट का अटेंडेंट से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस टेकिंग इन दिस पेशेंट. नाउ When we are studying the subjects, जब हम लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना है, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देना है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सिम्टोमेटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियन. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों, एज बिकॉज यू सी दैट व्हेन यू आर गोइंग विद द सिम्टम्स आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी. The symptoms are coming from the cells due to the whatever it may be. The result we can see that these are the indications of the disease coming through the nerves, the muscles, the cells, and there are different changes in the organs.
राइट. सो देर एम देर मे बी सम सेंसेशंस विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस. अगर हम लोग एनाटॉमी को अगर समझ सकते हैं ठीक तरीके से, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये भी जानते हैं कि जो एक एग्जांपल दे दूँ, अपेंडिसाइटिस जो है समटाइम्स नेवल के आसपास का, नेवल रीजन के आसपास का पेन जो है वो भी अपेंडिसाइटिस का रेयर एक इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन हो सकता है, बिकॉज ये T10 का जो एक जो नर्व है इस कारण से होता है. तो हम लोग का अगर एनाटॉमी मालूम है तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो अपेंडिक्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसका एक रिफर्ड पेन इस जगह में हो सकता है. एनाटॉमी नाउ मतलब कंपेयर टू दैट, कभी कभी हम लोग जैसे कि पैथोलॉजिकल जनरल के ऊपर बेस करके कुछ सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, कभी हम लोग इस चीज़ को समझते हुए रेफरल केस में भी जाते हैं, और कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द सेंसेशंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इस जगह में, जैसे मेटेरियल मेडिका में कुछ मेडिसिन लिखे हैं उसमें उसके साथ साथ जो है कि ऑर्गेनिक जो डिफॉर्मिटीज एंड डैमेजेस एंड वॉट एवर द चेंजेस विच इज कमिंग, ये भी हम लोगों के लिए इस पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. साथ साथ जो है कि सिम्टोमेटोलॉजी, हम लोग क्या करते हैं सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, नॉट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट. सिम्टोम देख के ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन सिम्टोम को समझते हुए ट्रीटमेंट करते हैं. अभी मैंने एक अपेंडिसाइटिस का एक एग्जाम्पल दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कुछ एक्यूट केसेस जब हम डील करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली वी कैन नॉट इफ यू अंडरस्टैंड द फैक्ट. तो इस जगह में हम लोग कुछ ऐसा मेडिसिन जैसे बेलाडोना, जैसे आयरिस टेडक्स, इस टाइप का मेडिसिन भी देख सकते हैं. और साथ साथ जो है कि अगर ऐसा कोई सीवियर कुछ डेंजर कंडीशन है उसको सर्जन के पास रेफर भी कर सकते हैं. अगर हम लोग सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे मेडिसिन का सिलेक्शन भी सही रहेगा एंड कितना हमारे स्कोप एंड लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे ताकि पेशेंट का कोई हानि ना पहुँचे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. And this is the whole chapter. I tell you, just have a recap. मैं एक बार आपको शुरू से एक बार recap करा देता हूँ कि disorder first in the vital force. ये जो chapter है, इस chapter में सबसे पहले ये कहा गया कि vital force से ही सारे disorder शुरू होता है. Next point, virus and bacteria जो है ये next point है कि जो series of degrees के accordingly disorder होता है. तीसरा हम ये देखते हैं कि जो वायरस जो है दिस वी कैन से दैट व्हाट वी कॉल देम एज वायरस, बट ये बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, लेकिन जो मेन डिरेंजमेंट है ये एक डायनेमिक लेवल में कुछ डिरेंजमेंट के कारण होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हम लोग जो है कि जब प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रहते हैं तो उस समय हम लोग फ्रीडम में रहते हैं, और जैसे ही डिसऑर्डर होता है तो ये फ्रीडम बिगड़ जाता है. फिजिशियन का जो काम है कि बॉडी का ये फ्रीडम जो है ये वापस लेके आना. इसके साथ साथ डिस्कस किया गया था कि कौन कौन सा गलत हो रहा है ट्रीटमेंट गोइंग ओनली विद द पर्टिकुलर कंडीशंस, बट हम लोग को एक पेशेंट का कम्प्लीटनेस ऑफ द टोटलिटी ये देखना जरूरी है. और इसको देखने के पीछे हम लोग कैसे हमको बहुत अच्छा हेल्प होगा कि नोइंग द सेंसेशंस ऑफ द पेशेंट पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, और इसके साथ उनका अटेंडेंस क्या क्या कहते हैं इसको इस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. अल्टीमेटली ये सारे चीज़ में सक्सेस होने का जो मेन कारण हो सकता है वो है हमारे पढ़ाई, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सिम्टोमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से अगर हम ध्यान देके पढ़ेंगे तो हमारे ये जो काम है डिसऑर्डर जो है इसको ऑर्डर में हम बहुत अच्छे से ला सकते हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू नो अबाउट और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टडीज, तो देयर इज अ कॉन्टेक्ट नंबर हियर, यू कैन व्हाट्सअप, एंड थैंक यू, वी विल मीट अगेन.